Welcome all student. Myself Sandeep sir from Mahim Municipal Secondary School, Mahim. And today we are going to focus or learn about non-textual passage. As you know that it is usually called the unseen passage. जो question number 4A में आपको पूछा जाता है section 4 में. तो जैसे पिछले video में हमने देखा था textual passage, जो seen passage था जो हमारे प्रो से आता था और इस बार हम स्टडी करने वाले हैं नॉन टेक्सुअल पैसेज जिसको हम मोस्टली कहते हैं कि अनसीन पैसेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज अनसीन पैसेज. तो ये अनसीन पैसेज क्या है? अनसीन पैसेज वो है जो हमारे प्रोज से, हमारे इंग्लिश कोर्स बुक से कोई रिलेटेड नहीं रहता है. वो आउट ऑफ सिलेबस जिसको आप बोल सकते हो, वहां से वो सवाल आता है और 10 मार्क के लिए आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो ये सवाल मोस्टली क्वेश्चन नंबर 4A में पूछा जाता है जो सेक्शन 4 में आता है. तो सबसे पहले हम नॉन टेक्सुअल पैसेज के बारे में पढ़ने से पहले हम अपने इंग्लिश जो है एक्टिविटी शीट उसका फॉर्मेट जान लेते हैं कि किस प्रकार से सवाल हमें पूछे जाते हैं सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 एंड 6. ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टडी दिस फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश एक्टिविटी. तो इसके पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की है. हम फिर से सेक्शन 4 के बारे में जब आप पढ़ने वाले हैं तो फिर भी हमें सेक्शन 1 में क्या आता है, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, 5, 6 में क्या आता है इसके बारे में हम थोड़ी स्टडी कर लेंगे. सो सेक्शन 1 में जैसे आपको पता है कि सेक्शन 1 में लैंग्वेज स्टडी जिसमें क्वेश्चन नंबर ए और बी 8 और 2 मतलब 10 मार्क के लिए पूछा जाता है और जिसको आप मैक्सिमम टाइम में आपको सॉल्व करना है विद इन 15 मिनट्स. सेक्शन 2 में टेक्सुअल पैसेज जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा किया था कि टेक्सुअल पैसेज जो हमें प्रोस से रिलेटेड रहता है जहाँ पे हमें 10 सवाल आते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और सेकंड एक पैसेज आता है जिसमें B1, B2, B3, B4 और B5 तो 10 मार्क के लिए पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में. ओके, सेक्शन 3 द मोस्टली ऑन द बेस ऑफ पोएट्री सेक्शन. सो इन दिस क्वेश्चन 3 this question is divided into A and B. The first is for poem for comprehension. Comprehension का मतलब होता है कि बच्चों देखिए जैसे knowledge आपका understanding समझने के लिए वहाँ पे कुछ सवाल आपको पूछे जाते हैं और उसी related आप उसके answer बनाते हो जिसमें poem में A1, A2 और A3 के सवाल रहते हैं 5 mark के लिए. Then second फिर से आपको एक poem आती है exam में जो आपको पूछा जाता है poem for appreciation. जैसे appreciation आपने school में पढ़ाई होगा कि उसका टाइटल लिखो, उसका पोएट का नाम लिखो, देन राइमिंग स्कीम, सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारे सवाल उसमें रहते हैं 5 mark के लिए. ओके, और जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक सेक्शन 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज. और टेक्सुअल का मतलब आपको जैसे पिछले बार बता दें कि पाठ संबंधी, हमारे प्रोज संबंधी, जो हमारे इंग्लिश कोर्स बुक में जितने प्रोज है, जितने लेसन है उससे संबंधित बोलते हैं टेक्सुअल. और नॉन टेक्सुअल का मतलब था कि अनसीन पैसेज, द पैसेज विच आर नॉट रिलेटेड फ्रॉम अवर प्रोज, जो हमारे प्रोज से, हमारे इंग्लिश कोर्स बुक से रिलेटेड नहीं है. सो हम देखेंगे क्वेश्चन 4A स्पेशली. सो क्वेश्चन 4A नॉन टेक्सुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशन मीन्स टेस्टिंग योर नॉलेज और योर एबिलिटी और योर अंडरस्टैंडिंग. आपको समझने के लिए वहां पे आपको सवाल दिए जाएंगे और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4A में जो सवाल पूछा जाता है उसी पैसेज का आपको क्वेश्चन नंबर B में समरी लिखने के लिए आती है. बहुत सारे बच्चे बोर्ड के एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि हमें समरी कहाँ से लिखनी है. तो बच्चों ध्यान दो कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो एक पैसेज आता है आपको नॉन टेक्सुअल के लिए उसी की समरी आपको क्वेश्चन नंबर B में पूछी जाती है कि इसके पैसेज रिलेटेड आप समरी लिखो. सो नॉन टेक्सुअल पैसेज ये भी हमारे 10 मार्क के लिए आता है और जिसको हमें मैक्सिमम 20 मिनट देना है और हम उसके आंसर कैसे ढूंढ पाएंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे और समरी रहते हैं 5 mark के लिए. ओके, देन थोड़ा इसके बाद देख लेते हैं कि उसके बाद जो सेक्शन 5 है राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल में जैसे आपको पता है कि लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल, डायलॉग राइटिंग उसमें आता है. क्वेश्चन नंबर 6 इनफॉर्मल ट्रांसफर जिसमें आपको नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल इसके बारे में 5 mark के लिए आपको पूछा जाता है. देन इसके बी में सवाल रहता है एक्सपांड द थीम. एक्सपांड द थीम में स्पेशली आपको न्यूज रिपोर्ट
और डेवलपिंग स्टोरी। न्यूज रिपोर्ट मतलब आप किसी कुछ न्यूज घटना हुई उसके ऊपर रिपोर्ट लिखो, या डेवलप द स्टोरी विद द गिवन बिगिनिंग और एंड, मतलब आपको स्टोरी को डेवलप करना पड़ता है, आपको बिगिनिंग दिया जाता है या कभी कभी आपको एंड दिया जाता है। ओके, एंड लास्ट सेक्शन 6 ट्रांसलेशन, ये तो सबको आपको पता है 5 मार्क के लिए ये आता है। सो जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा सेक्शन 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सेक्शन 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज, नॉन टेक्सुअल पैसेज। सो नोट क्वेश्चन 4 विल बी बेस्ड ऑन नॉन टेक्सुअल प्रोज पैसेज, दैट इज अनसीन पैसेज। मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो नॉन टेक्सुअल पैसेज के ऊपर बेस रहता है, जिसे हम कहते हैं अनसीन पैसेज। जैसे आपको पता है कि सीन का मतलब होता है देखा हुआ, और अनसीन का मतलब होता है कि जिसको हमने देखा नहीं, उस पैसेज को जो हमारे प्रोज से रिलेटेड नहीं है, उस पैसेज के बारे में हमें सवाल पूछे जाते हैं। सेकेंड द कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन 4 विल बी सिमिलर टू दोज इन टेक्सुअल पैसेज। देखो इसमें कहते हैं कि जो आपको एबिलिटी आपकी चेक की जाती है, आपके अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चन पूछ के आपकी चेक की जाती है, इट इज सेम एज द टेक्सुअल पैसेज। जो हमें टेक्सुअल पैसेज के बारे में हमने स्टडी की, जिसमें A1, A2, A3, A4 और A5 के सवाल पूछे जाते हैं, सेम उसी प्रकार से सवाल हमारे नॉन टेक्सुअल पैसेज में भी पूछे जाते हैं। सो द क्वेश्चन कैरी 10 मार्क, तो ये जो सवाल है ये हमें 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो हमें इस सवाल को कितने समय में सॉल्व करना है, हमें इस पैसेज को कितना समय देना है। ट्राई टू फिनिश दिस क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, मैक्सिमम हमें 20 मिनट में या 20 मिनट में हमें जो ये नॉन टेक्सुअल पैसेज हमें सॉल्व करना है। अब 20 मिनट इसके लिए दिया है कि इट इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम योर कोर्स बुक्स, दैट वाइज सम टाइम इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व दिस पैसेज। तो कुछ समय में हमें थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, हमें नॉट सिंपल नहीं लगता है हमें ये पैसेज, तो इसलिए हमें इसको 20 मिनट भी से सॉल्व करना है। देन देयर विल बी 5 एक्टिविटी इन दिस पैसेज, तो इस पैसेज में 5 एक्टिविटी स्पेशली पूछी जाती है। जैसे आपको पता है कि A1, A2, A3, A4 एंड A5। सो जो है ये A1, A2, A3, A4 और A5, तो A1 में किस प्रकार के सवाल आते हैं, A2 में कौन से प्रकार के सवाल आते हैं, A3 में स्पेशली किसके ऊपर फोकस किया जाता है, A4 में ग्रामर के कौन से पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और A5 पर्सनल रिस्पॉन्स जो रहता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से थोड़ा चर्चा करेंगे, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट A1, जो आपको पता है कि 2 मार्क के लिए सवाल आता है, सबसे पैसेज जैसे स्टार्ट होता है तो पैसेज के पहले कभी कभी ये सवाल पैसेज के ऊपर रहता है। तो A1, व्हाट इज A1? द सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। तो सिंपल का मतलब आपको पता ही है कि इजी, फैक्चुअल यानी तथ्यपूर्ण, मतलब जो आपके पैसेज में से बहुत इजी सिंपल सवाल रहता है, जिसके इजीली आंसर आपको पैसेज में फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में आपको मिल जाते हैं, तो ये सिंपल बेस्ड एक्टिविटी है। तो इसमें स्पेशली कौन से टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से हमें अपने एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होना है, तो इसमें स्पेशली ट्रू और फॉल्स, सबको बच्चों को पता है ट्रू और फॉल्स क्या होता है। देन मैच द कॉलम, जोड़ियां मिलाओ, तो हमें जोड़ियां मिलाने के बारे में भी पता है। नेम द फॉलोइंग, मतलब कोई सेंटेंस दिया जाता है, किसी के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, और आपको पूछा जाता है कि ये क्या है, उसका नाम हमें लिखना पड़ता है। देन एग्री डिसएग्री, ओके, अभी बोर्ड एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि एग्री डिसएग्री, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रू और फॉल्स, इफ यू एग्री इट इज जस्ट लाइक ट्रू, हम किसी की चीज में एग्री है तो मतलब वो घटना जो है वो ट्रू है, डिसएग्री मतलब हम उस सेंटेंस से एग्री नहीं है, जिसको हम फॉल्स भी कह सकते हैं, लेकिन हमें एग्री डिसएग्री में उसका जवाब देना पड़ता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब आपको कोई एक सवाल दिया जाएगा और उसके ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, तो हमें इस चारों में से कोई भी एक करेक्ट जो है आंसर सिलेक्ट करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सभी स्टूडेंट को पता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, जो पैसेज से रिलेटेड आता है और कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह है उसको वहां पे डॉट डॉट किया जाता है, हमें पैसेज से उसका सही वर्ड ढूंढ के हमें वहां पे उसको फिल करना पड़ता है। कंप्लेन द सेंटेंस,
समटाइम्स दे विल गिवन यू द इनकम्प्लीट सेंटेंस, मतलब आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है और जो बाकी सेंटेंस है ऐसा डॉट 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 को आगे किया जाता है. सो वी हैव टू कम्प्लीट दिस सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, तो पैसेज से हमें पढ़ के उस सेंटेंस को हमें कम्प्लीट करना है. देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा, इसे इसकी भी हमें बहुत प्रैक्टिस हमें करना है. सो किसने किससे कहा, ये तो हमें पता ही है कि पैसेज में कोई दिया जाता है सेंटेंस जो किसी से रिलेटेड रहता है, तो हमें ये बताना रहता है कि ये सेंटेंस है किसने किसको कहा. ये टू मार्क के लिए. तो ए वन में हमें इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं जिसके बारे में हमें फुल प्रिपरेशन करना है. सो द आंसर टू दिस एक्टिविटी विल बी इजिली फाउंड इन द पैसेज, सर्च फॉर देम एंड राइट देम डाउन. तो इस प्रकार के जो सवाल रहते हैं और उसके आंसर जो रहते हैं हमें एक्टिविटी में इजीली मिल जाते हैं, बहुत इजी तरह से हम उसको ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हम सारे जो प्रोज है उसको पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसके आंसर हमें कहाँ मिलेंगे. सर्च देम एंड राइट देम डाउन. द टोटल मार्क एलोटेड फॉर A1 इज A1 आर 2. तो A1 के लिए टोटल इसमें 2 मार्क दिया गया है. ओके बच्चों, तो हमें इस प्रकार से A1 की स्टडी करना कि इसमें इस प्रकार के सवाल हमें पूछ सकते हैं. देन A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी. और जैसे आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जटिल, जिसको हम बोलते हैं कि नॉट सिंपल, इट इज कॉम्प्लिकेट, पेचीदा जो रहते हैं सवाल उसको हम बोलते हैं. A2 में हमें थोड़े पेचीदा सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उसके आंसर भी अगर हम पैसेज को अच्छे से पढ़े, अंडरस्टैंडिंग करें, तो हमें उसके आंसर इजीली मिल सकते हैं. तो इसमें कौन से टाइप के सवाल आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग. कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है या इनकम्प्लीट वेब दिया जाता है, हम उसको कंप्लीट करते हैं. कंप्लीट द वेब. कुछ वेब दिया जाता है आपको और आपको कहा जाता है कि इस वेब को आप कंप्लीट किए. इस प्रकार के बोर्ड के एग्जाम में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे आपने. देन कंप्लीट द चार्ट. कुछ चार्ट दिया जाता है और चार्ट को आपको उसको कंप्लीट करना पड़ता है. देन कंप्लीट टेबल, ये भी आपको सवाल पूछा जाता है. कंप्लीट द डायग्राम, ये भी रहता है ETC. इस प्रकार से आपको कंप्लीट करने के लिए पूछा जा सकता है. देन एग्री डिसएग्री विथ रीजन. कभी कभी इसमें इस सवाल में A2 में एग्री डिसएग्री पूछा जाता है, लेकिन उसके रीजन के साथ, क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स जो टाइप सवाल है, इट इज नॉट सिंपल, सो वी हैव टू गिवन द रीजन फॉर योर एग्री और डिसएग्री. अब एग्री है कि डिसएग्री और क्यों है, इसके ऊपर हमें रीजन भी देना पड़ता है. देन डिस्क्राइब. कभी कभी हम कुछ वर्ड देते हैं, उस वर्ड को डिस्क्राइब वाला वर्ड हमें आगे लिखना पड़ता है, उस डिस्क्राइब वाले वर्ड को लिखना पड़ता है उस प्रकार से. फाइंड अ प्रूफ. एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर देयर एक्यूरेंस. ये बहुत बार सवाल बोर्ड में पूछा जाता है और इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है. एंड इट इज वेरी इजी फॉर स्टूडेंट. ये बहुत इजी सवाल है, क्योंकि हमें पैसेज के बाद जो सवाल पूछा जाता है, ऐसे कुछ चार सेंटेंस हमें दिए जाते हैं जो जंबल फॉर्म में रहते हैं, मतलब पैसेज में जो घटना घटी है, पैसेज जिस प्रकार से दिया गया है ऊपर से नीचे तक, उस प्रकार से सेंटेंस नहीं रहते, इसे थोड़ा जंबल फॉर्म में दिया जाता है. एंड वी हैव टू रीअरेंज दिस सेंटेंस एज पर एक्यूरेंस, मतलब पैसेज में जिस प्रकार से घटना घटी है, जिस प्रकार से सब सारे सेंटेंस दिए गए हैं, उस प्रकार से हमें सारे सेंटेंस को रीअरेंज करना है. तो हमें अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, इसके बारे में थोड़ा अच्छी स्टडी करना है, इसको जान लेना है कि ये क्या होता है और हमें इसको कैसे इजी से सॉल्व कर सके. ओके स्टूडेंट, द आंसर टू दिस एक्टिविटी विल बी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ पैसेज. एज यू नो दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, सो वी कैन नॉट easily get this answer. We have to read all the passages and we found the answer of this question will in different part of passage. तो हमें इसके जो answer मिलते हैं तो passage के अलग अलग paragraph में, पहला दूसरा तीसरा चौथा जितने paragraph होंगे वहां पर हमें उसके answer मिल सकते हैं. Search for them and write them down in the format given in the activity. तो जिस प्रकार से activity पूछा गया है उसी प्रकार से हमें उसके आंसर फाउंड करके वहां पे लिखना है. और इसके लिए आपको 2 मार्क के लिए आपको सवाल पूछा जाता है. तो ये हमारा सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी. तो हमें इस प्रकार से इसमें तैयारी करनी है. देन A3. तो A3 में क्या पूछा जाता है, फाइंड अ
सिमिलर वर्ड, सबसे पहले जाते हैं कि A3 में किस कौन से सवाल रहते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। वोकैबुलरी बेस का मतलब होता है कि आपके शब्द क्लोज ग्लॉसरी का आपका नॉलेज कितना है, ये टेस्ट करने के लिए इसके ऊपर ही सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें स्पेशली सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, ओके मैच द वर्ड, इसमें भी मैच द कॉलम जैसे वर्ड आते हैं, हिडन वर्ड ढूंढ के लिखो, जंबल वर्ड, मैंने आपको बोला कि कुछ वर्ड जंबल फॉर्म में दे जाते हैं उसको रीअरेंज करो, देन मेन जो हमें स्टडी करना है ये है पिक आउट ऑड मैन, मतलब कुछ आपको वर्ड दिए जाते हैं चार, तीन वर्ड इसमें से एक ही रिलेशन में रहते हैं, जैसे मैं आपको सारे जो वर्ड है ये पहला वर्ड दूसरा तीनों एग्जेक्टिव है, एक आपका वर्ड जो है वो वर्ब है, मतलब हम इसको ऑड मैन आउट, इसको हम इसको बाहर से निकाल सकते हैं। देन सेकंड जैसे कोई या तीन वर्ड क्रिकेटर के नाम दिया है और एक वर्ड आपको कोई पॉलिटिक्स लीडर का नाम दिया है, मतलब हमें पता है कि सारे तीनों वर्ड है जो सेम रिलेशन में आते हैं और एक जो वर्ड है वो सम डिफरेंट है उससे, तो हम इसको पिक आउट ऑड मैन, इस वर्ड को हम बाहर आंसर की तरफ लिख सकते हैं। वर्ड रजिस्टर, ये हमने इंग्लिश वर्कशॉप में इसकी स्टडी की है। तो स्पेशली बच्चों हमें इसमें सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना है, देन पिक ऑड मैन आउट। ये हमारा A3 वोकैबुलरी बेस्ड एक्टिविटी फॉर 2 मार्क। यूज योर नॉलेज फॉर वोकैबुलरी टू अटेम्प्ट दिस एक्टिविटी। सो हमें अपना नॉलेज, हमें अपना जितना भी ज्ञान है वो यूज करके हमें इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है और ये पूछा जाता है 2 मार्क के लिए। देन A4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्सुअल ग्रामर। कॉन्टेक्सुअल का मतलब होता है कि जैसे आपके प्रकरण से रिलेटेड या प्रासंगिक जो आपको पूछा गया पैराग्राफ उससे रिलेटेड आपको ग्रामर यहाँ पे दिया जा सकता है। तो हमें स्टूडेंट इंग्लिश बोर्ड के लिए बोलो या आने वाले एग्जाम के लिए कौन कौन से ग्रामर की अच्छी स्टडी करना है इसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है चेंज द वॉइस। तो सबसे पहले हमें चेंज द वॉइस, जो वॉइस ग्रामर का प्रकार है उसको हमें अच्छे से स्टडी करना है। और यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेट टाइप का सवाल पूछा जाता है कि कोई भी एक सेंटेंस दिया जाता है और आपको ऐसा नहीं पूछते कि चेंज द वॉइस, दे विल आस्क यू जस्ट लाइक बिगिन द सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट गिवन, मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट से वो सेंटेंस स्टार्ट करो, ऐसा आपको पूछा जाता है। सो समटाइम द स्टूडेंट विल बी कंफ्यूज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो हमें याद में रखना है कि बिगिन द सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट गिवन, अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो मतलब है उसका चेंज द वॉइस, इस प्रकार से भी वो पूछ सकते। देन एड अ क्वेश्चन टैग। एड अ क्वेश्चन टैग में आपको कोई क्वेश्चन देंगे और उसके चार ऑप्शन आपको देते हैं, देन वी हैव टू चूज द करेक्ट टेल टैग। देन ज्वाइन द सेंटेंस, हमें कुछ सेंटेंस दिए थे उसको ज्वाइन करने के लिए बोलते विद द हेल्प ऑफ इफ, अनलेस, ऑल्दो, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, etc. तो हमें स्पेशली इस ग्रामर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस हमें करना है, एंड बेसिकली नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, बहुत बार हमें इंग्लिश बोर्ड के एग्जाम में नॉट ओनली बट ऑल्सो के सवाल हमें दिखाई देंगे और उसके बारे में हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर होना है। देन डिग्री WS टाइप क्वेश्चन, ओके इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सेंटेंस चेंज निगेटिव टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू निगेटिव, इसकी भी हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी है। देन मेक अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कोई सेंटेंस दिया जाता है और कहा जाता है कि उसको एक्सक्लेमेटरी बनाओ। देन इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, इसके ऊपर भी आपको सवाल बोर्ड में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपको एक सवाल आता है कि फाइंड इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटिव वाला वर्ड आपको जो रहता है दिया हुआ सेंटेंस रहता है और आपको बोलता है कि अंडरलाइन द इन्फिनिटिव वर्ड, पिक आउट द इन्फिनिटिव वर्ड, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो ये हमारा टोटली ग्रामर का सेक्शन है जिसके ऊपर हमें ज्यादा हमें फोकस देना है। सो यूज योर नॉलेज ऑफ ग्रामर टू आंसर दिस एक्टिविटी। तो इस प्रकार से एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए हमें अपने ग्रामर के नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जितनी ये ग्रामर के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं सबकी हमें स्टडी करना पड़ेगा। द टोटल मार्क अलॉटेड फॉर A4 आर 2। A4 के लिए 2 मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है, 2 ग्रामर के सवाल वहां पे आपको दिखाई देंगे, फर्स्ट वन एंड सेकंड। और कभी कभी ग्रामर के इसमें आपको प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस चेंज करो, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करो, एक को सेंटेंस दिया जाता है उसको आपको चेंज करने के लिए बोला जाता है, हम उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है।
तो ये हो गया हमारा A4 एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्सुअल ग्रामर फॉर 2 मार्क। देन A5 A5 में सभी को A5 के बारे में पता है कि एक्टिविटी बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स। तो इस प्रकार का जो सवाल रहता है A5 में, जो 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, इट इज योर पर्सनल रिस्पॉन्स। जो भी हमें सवाल वहां पे पूछा जाता है उसका आंसर हम अपने ओन वर्ड से देते हैं, हम अपने ओन इमेजिनरी, हमारी क्रिएटिविटी, हम जो एक्सप्रेस करते हैं उसके द्वारा हम उसका आंसर देते हैं। सो इसका जो आंसर है हमें A5 का, हमें पैसेज में कभी कभी नहीं मिलता है। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि A5 का आंसर वो पैसेज में ढूंढने की कोशिश करते हैं और वहां पे उन्हें पैसेज में आंसर नहीं मिलता है, तो बहुत कंफ्यूजन उनको होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि A5 वाला जो सवाल रहता है, इट इज डिपेंड ऑन योर इमेजिनेशन। जो उसका आंसर हम लिखते हैं अपने इमेजिनेशन लिखते हैं, हमारी क्रिएटिविटी और हमारा एक्सप्रेशन है वो वहां से लिखते हैं। और मोस्टली बच्चों हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कभी कभी पर्सनल रिस्पॉन्स में हमारा जो सवाल है कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, जिसका आपको पता होगा डू, डज, वॉज, वेयर, शॉल, विल, वुड, कुड, शुड, मे, माइट, ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब। इससे हमें कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, और अगर हमें इससे कुछ सवाल पूछे जाते तो हमारा आंसर यस या नो से हम देते हैं। तो बाद में हमें उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वुड यू लाइक टू हेल्प पुअर पीपल एंड हाउ कैन यू हेल्प देम, एक सवाल है। तो वुड यू लाइक टू हेल्प पुअर पीपल, मतलब इसका जो स्टार्ट हुआ है वो ऑक्सिलरी वर्ब वुड से हुआ है, तो हम इसका आंसर यस से दे सकते हैं, यस आई वुड लाइक टू हेल्प पुअर पीपल। एंड हाउ कैन यू हेल्प देम, इसके लिए 1 मार्क, और जो आगे पूछा गया आपको सवाल उसके लिए भी 1 मार्क। तो हमें पर्सनल रिस्पॉन्स इसके ऊपर भी बेसिकली फोकस करना है। सो थिंक केयरफुली एंड आंसर दिस एक्टिविटी इन योर ओन वर्ड, राइट इन 3 or 4 sentences। ओके, हमें इस सेंटेंस का आंसर जो है ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन में हमें इसको कंप्लीट करना है, जिस प्रकार से हमें पूछा जाता है उस प्रकार से। ओके, एंड वी हैव टू थिंक केयरफुली एंड आंसर दिस एक्टिविटी एंड राइट इन योर ओन वर्ड, हमें अपने शब्दों में इसका आंसर देना है। ओके, तो ये हमारे जो हमारा नॉन टेक्सुअल पैसेज, इसमें ये हमने देखा कि 5 प्रकार के सवाल वहां पे आते हैं, A1, देन A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, देन A3 वोकैबुलरी बेस एक्टिविटी, देन A4 एक्टिविटी बेस ऑन कॉन्टेक्सुअल ग्रामर। तो हमने ये भी देखा कि ग्रामर में हमें किस प्रकार की स्टडी हमें करना है, किस प्रकार से कॉलेज में हमारा नॉलेज है ग्रामर में बढ़ाना है, कौन से ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ओके, और इसमें हमने ऐड नहीं किया था जैसे है इन्फिनिटिव एंड टेंस, टेंस के बारे में भी अच्छी हमारी स्टडी चाहिए। देन A5 एक्टिवल बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स, तो पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर हमारे A5 का सवाल रहता है। सो अभी हम देखेंगे कि एग्जाम के अगर ऐसा कुछ सवाल आता है तो हम उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 20 मिनट में हम अपना टाइम स्पेसिफिकेशन, उसको जो 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना है तो हमें उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। सो हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो इस सवाल अगर पूछा जाए नॉन टेक्सुअल पैसेज, तो हम इसको हल कैसे करेंगे। दिस इज अ नॉन टेक्सुअल पैसेज, मतलब ये अनसीन पैसेज है। इट कुड बी स्टोरी, टॉपिक, करंट इंटरेस्ट, न्यूज़पेपर, एटम। तो यहाँ पे अगर अनसीन पैसेज, तो इसमें किस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, किसमें ज्यादा फोकस किया जाता है। कभी कभी वहां पे आपको अनसीन पैसेज में स्टोरी दिखाई देंगी, कभी कोई टॉपिक रहता है, कभी कोई करंट इंटरेस्ट, जो अभी करंट टॉपिक चल रहा है वो वहां पर भी आपको आ सकता है। देन न्यूज़पेपर एटम, तो कोई भी न्यूज़पेपर के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पैसेज जैसे सॉल्व करना है तो पहले पैसेज को पढ़ते हैं, बाद में उसके सवाल को पढ़ते हैं, और सवाल को आंसर ढूंढने के लिए फिर से उनको पैसेज में जाना पड़ता है। तो हमें इस बात पे फोकस देना है कि रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले हम A1, A2, A3, मैक्सिमम A3 तक हम अपने सवाल जो है वो पढ़ लेंगे। देन रीड,
द पैसेज केयरफुली एंड फाइंड आउट द आंसर। और उसके बाद हमें पैसेज पढ़ना है और उसके आंसर वहां से ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है क्वेश्चन 4A के लिए, तो हम इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे इसको थोड़ा देख लेते। तो पैसेज पढ़ने से पहले सबसे हम जो है उसके सवाल पढ़ लेंगे। सो एग्जांपल सेक्शन 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज 15 मार्क। तो यहाँ पे 15 मार्क का दिया है, मतलब 10 मार्क का पैसेज और 5 जो मार्क का है वो हमारी समरी है जो हमें उसके ऊपर बी क्वेश्चन में लिखने के लिए कहा जाता है। 4A रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटी। नीचे दिए हुए पैसेज को पढ़ो और उसके ऊपर जो एक्टिविटी आपको पूछा जाए उसके आंसर दो। तो यहाँ पे पैसेज बच्चों ये हमारा पैसेज है, तो पैसेज पढ़ने से पहले हम सवाल पढ़ेंगे इसके। देन क्या दिया है A1 में, फिलिंग द ब्लैंक्स। जयपुर वॉज फाउंडेड बाय डैश 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 इज द फर्स्ट इंडियन हेरिटेज सिटी डैश डैश अगेन डिक्लेयर द जयपुर एज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी एंड जयपुर इज इन डैश डैश स्टेट। तो हम पहले इसको पढ़ लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर A2 हम इसको भी थोड़ा रीड कर लेंगे। व्हाट डज यूनेस्को सीक टू, व्हाट इट इज कंसीडर टू बी द लास्ट, फाइंड आउट एनी 4 एक्टिविटी फ्रॉम द पैसेज। तो जब आप ये तीनों एक्टिविटी आप रीड कर लेते हो, जैसे सवाल रीड करते हो, तो उसके बाद हम अपना पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि पिंक सिटी जयपुर डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, द डिसीजन वॉज टेकन एट 43 सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ बाकू अज़रबैजान फ्रॉम द June 30 टू July 10। द फॉरगॉटन सिटी ऑफ जयपुर इन इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज फाउंडेड इन 1727 बाय सवाई जय सिंह। तो देखो जैसे हम ये यहाँ पे पढ़ते हैं फाउंडेड बाय सवाई जय सिंह, तो हमें याद आता है कि देखो जयपुर वॉज फाउंडेड बाय, तो किसने ढूंढा। तो देखो जैसे हमने ये सेंटेंस हम जैसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने सवाल जो है इसके बारे में कहीं तो पढ़ा है, और जैसे हम उसको सवाल पढ़ लेते हैं उसका आंसर लिख लेते हैं, हमें दोबारा पैसेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देन द वॉल्ड सिटी ऑफ जयपुर नोन फॉर ईस्ट आयनिक आर्किटेक्चर लेगेसी एंड वाइब्रेंट कल्चर मेक्स इट एंट्री इनटू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट बिकमिंग द सेकंड सिटी ऑफ कंट्री आफ्टर अहमदाबाद। देखो इंडिया हैड प्रपोज द नॉमिनेशन ऑफ जयपुर एज एन एक्सेप्शनल अर्बन एग्जाम्पल इन इंडिजिनियस City planning, the Ministry of Culture said in the statement. Okay. Beside an exemplary planning, its iconic monuments such as the Govind Dev Temple, City Palace, Jantar Mantar, and Hawa Mahal excel in architectures and architectural craftsmanship of the period. UNESCO seek to encourage. तो हमें देखो हमें जैसा ये सवाल पड़ा था A2 में UNESCO seek, तो हमें ये पता चलता है कि इसका आंसर इस पैराग्राफ में रह सकता है। तो यूनेस्को सीक इनकरेज द आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड इट इज कंसीडर्ड टू बी आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जैसे हम ये सवाल पढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ, तो हमें पता चलता है कि इस वाला सवाल जो हमने कहीं तो भी पढ़ा है और उसका आंसर हमें मिल जाता है। देन हम इसका आंसर A2 में लिख सकते हैं। और ये A3 वाला जो पूछा है फाइंड एग्जेक्टिव फ्रॉम द पैसेज, तो हमें पैसेज से ये वोकैबुलरी बेस्ड सवाल है, जो हमारा ग्लोसरी का नॉलेज वोकैबुलरी का नॉलेज टेस्ट किया जाता है। तो हमें अपने पूरे पैराग्राफ में से एग्जेक्टिव जो वाले वर्ड है उसे ढूंढ के लिखना है। देन ये होने के बाद हम जाते हैं A4। A4 में दिया है डू एज डायरेक्टेड, इसका मतलब है कि जैसे आपको निर्देश दिए गए है वैसे आप उसके सवाल सॉल्व करो। सो एक दिया है जयपुर वॉज फाउंडेड बाय सवाई जय सिंह सेकंड, चूज द करेक्ट वॉइस, मतलब इसके ऊपर सवाल डिपेंड है। और आपको पूछा गया कि जयपुर वॉज फाउंडेड बाय सवाई जय सिंह, आप उसका वॉइस करो। और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए है और चार ऑप्शन में से आपको
जो करेक्ट है उसे चूज कर कर आपको अपना ऑप्शन जो है आंसर आपको लिखना है. ओके देन सेकंड, इंडिया हैड प्रपोज अ नॉमिनी फॉर जयपुर. देन हमें क्या पूछा है, निर्देश दिया गया है फ्रेम WS क्वेश्चन. तो हमें WS टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है. जो WS टाइप का मतलब होता है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाई, इससे स्टार्ट हुआ हुआ, और यस का मतलब होता है कि हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच. तो WS टाइप से सॉल्व होने वाले से क्वेश्चन बनाओ टू गेट अंडरलाइन एज अ पार्ट ऑफ आंसर. तो ये जो अंडरलाइन दिया है नॉमिनेशन फॉर जयपुर, ये हमारा आंसर आना चाहिए. तो हमें इस प्रकार से सवाल बनाना है इंडिया हैज प्रपोज से लेकर. और जब हम WS टाइप का सवाल बनाते हैं तो ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो हमारे सवाल में नहीं आता, बिकॉज इट इज अ आंसर. ये हमारे आंसर में बाद में आता है. सो लास्ट में दिया है देखो FIU पर्सनल रिस्पॉन्स, डू यू लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड व्हाई. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो सवाल स्टार्ट किया गया है वो डू से किया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब से, मतलब वर्बल टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जिसका आंसर हम यस या नो से दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स में इसका आंसर देना है. जैसे यहाँ पे पूछा है कि डू यू लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो हमें क्या करना है, जैसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे दिया गया है डू, डज, वॉज, वेयर, शुड, वुड, कुड, शॉल, विल, तो हमें उसकी जगह लिखना है यस. एंड यू जो दिया है उसकी जगह लिखना है आई, बाकी जैसे का वैसा. यस आई लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये हो गया आपका एक मार्क के लिए. और सेकंड इस पूछा यहाँ पे व्हाई, कि आपको हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करने के लिए अच्छा क्यों लगता है, तो आपको इसका रीजन भी देना पड़ेगा. तो जो हमारे सवाल थे, जैसे जो पहले यहाँ पे सवाल थे A1 में, जयपुर वॉज फाउंडेड बाय, इज द इंडियन हेरिटेज सिटी, डिक्लेयर जयपुर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी एंड जयपुर इज इन स्टेट. तो देखो उसके आंसर यहाँ पे बताया गया है कि जयपुर वॉज फाउंडेड इन बाय सवाई जयसिंह सेकंड. सेकंड, अहमदाबाद इज द फर्स्ट इंडियन हेरिटेज सिटी, यूनेस्को डिक्लेयर जयपुर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, द जयपुर इज इन राजस्थान स्टेट. ओके देन A2 जो कॉम्प्लेक्स टाइप जो रहता है, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल टाइप एक्टिविटी, उसमें पूछा गया था कि यूनेस्को सीक टू. ओके तो इसका ये आंसर ये है A2. A3 में आपको पूछा गया था फाइंड अ एग्जेक्टिव वर्ड फ्रॉम द, सॉरी A3 में आपको पूछा गया था कि ओके एग्जेक्टिव वर्ड ही था, फाइंड एनी फोर एग्जेक्टिव फ्रॉम द पैसेज. तो आपको पैसेज में से चार एग्जेक्टिव वाले वर्ड आपको ढूंढ के लिखना है. तो एज यू नो दैट व्हाट इज द एग्जेक्टिव नाउन, देन वर्ब क्या रहता है, नाउन क्या रहता है, एग्जेक्टिव प्रीपोजिशन जो भी रहता है प्रीपोजिशन, ये इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए. तो हम इसके आंसर हम इजीली लिख सकते हैं, जैसे हिस्टोरिक, वर्ल्ड, अर्बन, इंडिजिनियस, आयोनिक, आर्टिस्ट, कल्चर, नेचुरल, राइट एनी फोर. तो आप इनमें से कोई भी चार आंसर अपने लिख सकते हो. देन A4 ग्रामर जो बेस हमारी एक्टिविटी है, वोकैबुलरी बेस जो हमारी एक्टिविटी है, उस पर हमें सवाल पूछा गया था कि जयपुर वॉज फाउंडेड बाय सवाई जयसिंह, करेक्ट चूज द करेक्ट वॉइस. तो हमें पता है कि ये चेंज द वॉइस के ऊपर सवाल है. जो हम चेंज द वॉइस में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाता है. तो देखिए यहाँ पे दिया है बाय, मतलब ऑलरेडी इज इन वॉइस, तो हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, जो सवाई जयसिंह हम इसको आगे लेके आते हैं इस प्रकार से. देखो यहाँ पे क्या है, सवाई जयसिंह फाउंडेड जयपुर. देन सेकंड इसमें आपको पूछा गया था कि फ्रेम WS टाइप क्वेश्चन, तो आपको WS टाइप के ऊपर अपने सवाल बनाने थे कि WS से जो स्टार्ट होते हैं उससे. ओके एंड गेट द अंडरलाइन एज एन आंसर. तो फिर से पीछे जाते हैं, देखते हैं कि देखो यहाँ पे देता है इंडिया हैज प्रपोज और अंडरलाइन किया था अ नॉमिनेशन फॉर जयपुर. तो हमें ऐसे सवाल बनाना है कि हमें नॉमिनेशन फॉर जयपुर, ये हमारा आंसर हमें मिलना चाहिए. तो जब हम WS टाइप्स कोई भी सवाल बनाते तो अंडरलाइन वाला जो सेंटेंस है वो इसमें नहीं आता है. तो जैसे यहाँ पे देखिए इन व्हाट हैड इंडिया प्रपोज, तो आंसर में इसमें आता है इंडिया हैज प्रपोज अ नॉमिनेशन फॉर
जयपुर, तो ये हमारा आंसर है। देन A5O, जो हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स सवाल है, तो उसमें पूछा गया था डू यू लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड व्हाई, तो देखो इसका आंसर किस प्रकार से बनाया गया है। यस, देखो यस यू की जगह पे आई, अगर यू आर रहता तो यू आर के जगह पे हमें लिखना है माय। यस आई लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, अगर आप इतना भी लिख देते हो यस से रिलेटेड तो आपको एक मार्क मिल सकता है, लेकिन आपको पूरे मार्क लेने के लिए जो उसका एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, रीजन पूछा गया है, उसको भी आपका आंसर देना पड़ेगा। आई लाइक टू विजिट डेम बिकॉज, देखो उन्होंने पूछा था व्हाई, व्हाई यू लाइक टू विजिट द हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो हमें उसका रीजन देना है बिकॉज दे एक्सपांड अवर नॉलेज अबाउट अवर हिस्ट्री, वो हमारी हिस्ट्री की जो है हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं, एक्सपांड करते हैं। वी अंडरस्टैंड अवर हिस्ट्री एंड एंशियंट हेरिटेज एंड द स्टोरी ऑफ अवर ग्रेट पीपल एंड किंग्स, तो अगर हम कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करते हैं तो हम अपने जो पुराने राजा है, एंशियंट यानी प्राचीन राजा है, जो प्राचीन हमारी कलाकृति है, जो प्राचीन हमारे जो सारे देश की सभ्यता है, उसके बारे में हमको नॉलेज मिलता है, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन, आप उसको करेक्ट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हो, आप क्रिएटिविटी क्या करते हो, आपकी इमेजिनेशन क्या है, इसके ऊपर हमारा इसका आंसर बेस रहता है। तो आप बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट का आंसर इससे कोई डिफरेंट रह सकता है कि उन्हें वो हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करने में इंटरेस्ट क्यों है और क्यों विजिट करते हैं, दे शुड राइट अ डिफरेंट आंसर, तो यही आंसर उसका आएगा, ऐसा नहीं है, वो अपने सही इमेजिनेशन से दूसरा आंसर भी इसका लिख सकते हैं, लेकिन हमें उसका रीजन देना पड़ेगा। तो हमने इसका A1, A2, A3, A5 तो नॉन टेक्सल पैसेज है, इसके बारे में पढ़ा, और इसके ऊपर जो एक पैसेज दिया गया है बोर्ड के एग्जाम में पैसेज आया था, तो इस पैसेज के आंसर हमें कैसे लिखने हैं, किस प्रकार से हम फाउंड कर सकते हैं, ये भी बताया गया है। सो स्टूडेंट टुडे वी आर लर्न, आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि आज नॉन टेक्सुअल पैसेज, जिसको हम कहते हैं कि अनसीन पैसेज, जो हमारे प्रोसे रिलेटेड नहीं रहता है, और उसके बारे में कौन से सवाल पूछे जाते हैं। A1 में हमें जो 2 मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है, तो उसमें कौन से टाइप के सवाल आते हैं, इसके बारे में भी हमने आज चर्चा की। देन A2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल रहता है, तो जिसमें कंप्लीट डिबेट, कंप्लीटेड चार्ट, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कंप्लीट डिबेट, कंप्लीट चार्ट, कंप्लीट द सेंटेंस, देन अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को उस जंबल फॉर्म में जो दिया रहता है उसको सीक्वेंस से अरेंज करो। A3 में हमने देखा कि सवाल लोग पूछते हैं कि सिमिलर वर्ड स्पेशली अपोजिट वर्ड, देन मैच द सिमिलर वर्ड, हिडन वर्ड, जंबल वर्ड्स और पिक आउट ऑड मैन, ओके ये हमें इस प्रकार से पूछा जाता है, जिसका हमें आंसर लिखना पड़ता है। देन A4 स्पेशली ऑन ग्रामर बेस, जिसमें हमें स्पेशली स्टडी करना है चेंज द वॉइस, ओके क्वेश्चन टैग, जॉइन द सेंटेंस, जो हमें इफ, अनलेस, ऑल्दो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट, नो सूनर देन, इसके बारे में स्टडी करना, जैसे उसमें और रहता है एज सून एज, एंड का उपयोग करो, एज सून एज का उपयोग करो, इस प्रकार से। देन डिग्री WH टाइप क्वेश्चन, चेंज द नेगेटिव सेंटेंस इन अफर्मेटिव एंड चेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच, और इसमें हम ऐड कर सकते हैं इन्फिनेटिव टू फाइंड ए इन्फिनेटिव वर्ड, और टेंस, इसके बारे में भी हमें अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाना है, इसके बारे में भी हमें स्टडी करके रखना है। देन A5 में हम स्पेशली एक्टिविटी बेस्ड सवाल जो है हमें पूछे जाते हैं, जो हमें डू डज जैसे हेल्पिंग वर्ड से लेके स्टार्ट से लेके पूछे जाते हैं, वो भी हमने आज देखे, और हमने इसके ऊपर एक स्पेशली हमें फोकस आज ये करना है कि जो हमारा पैसेज है, जो भी आता है, तो उसके पहले हमें रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, तो पहले हमें A1, A2, A3 मैक्सिमम यहाँ तक हमें कुछ सवाल जो है विद इन मिनट में उसको पढ़ के रखना है, और उसके बाद रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द आंसर, उसके बाद हमें पैसेज पढ़ना है, और जैसे जैसे उसके आंसर मिलते जाते हैं वैसे उसका आंसर लिखते जाना है टू सेव अ टाइम। और आपको बताया गया कि ये जो नॉन टेक्सुअल पैसेज है इसको हमें 20 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर हमें इसको सॉल्व करना है, ओके और इसके आंसर भी हमने यहाँ लिख के दिए है। अपेक्षा करता हूँ कि आपने कुछ स्क्रीनशॉट निकाले होंगे, तो उसको आपको पैसेज के आंसर और सवाल भी आपको मिल सकते हैं। सो बच्चों आज हमने पढ़ा है नॉन टेक्सुअल
पैसेज। अगर आपको इससे संबंधित किसी को कुछ सवाल पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। हाथ उठाओ बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाओ। किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा हाथ उठाओ। मनीष चौहान, माइक चालू करो। मनीष चौहान, स्टूडेंट पूछो। मनीष तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आवाज नहीं आ रही। प्रीति, प्रीति उपाध्याय माइक चालू करो। सर ए का फाइव बताइए ना। फाइव ए वन, ये हेलो। और देखो इस बच्चे पूछा था कि ए वन में आपको True false, match the following, name the following, agree disagree, choose the correct alternative, filling the blanks, okay? और A5 जो उसने पूछा था वो है correct alternative, मतलब जो सवाल आपको दिया जाएगा उसके चार ऑप्शन आपको नीचे दिए जाते हैं and we have to choose the correct option from given alternative, जो आपको alternative वहाँ पे दिए गए हैं तो उसमें से आपको correct जो alternative choose करना पड़ता है, जिसका आपको answer passage के पहले या दूसरे paragraph में mostly मिल जाता है। शिल्पा, okay. शिल्पा माइक चालू करो। हेलो सर। यस बेटा। सर आपने नॉन टेक्सुअल पैसेज का एक बार रिपीट कीजिए। नॉन टेक्सुअल पैसेज, ओके। तो सबसे पहले हम नॉन टेक्सुअल पैसेज ये देखते हैं कि ये कहाँ पे पूछा जाता है, तो ये सबसे मेन है। नॉन टेक्सुअल पैसेज हमारे एक्टिविटी शीट में, जो हमारा बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें सेक्शन 4, जब हमारी पोएट्री हम लिख लेते हैं जिसमें पोएट्री का सवाल लिखने के बाद नॉन टेक्सुअल पैसेज के ऊपर सवाल पूछा जाता है। और नॉन टेक्सुअल का मतलब होता है कि अनसीन पैसेज, नॉट रिलेटेड फ्रॉम योर इंग्लिश कोर्स बुक्स। द गिवन पैसेज इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम योर इंग्लिश कोर्स बुक, ओके। तो अपने कोर्स बुक से नहीं रहता है। सो ये A4, क्वेश्चन नंबर 4A में आपको इसको पूछा जाता है, जो 10 मार्क के लिए है और हमें इसके 2-2 मार्क के पास सवाल रहते हैं।